दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वह कोई आम आदमी या जानवर के बारे में नहीं, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में है। और दोस्तों, आज मैं उनके बारे में ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस जानकारी को शुरू करते हैं। नंबर एक, 1958 में दिवाली के दिन गुजरात में कुछ बच्चों ने बाल स्वयंसेवक की शपथ ली थी। उनमें से एक बच्चा 8 साल का नरेंद्र मोदी भी था। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बड़नगर रेलवे स्टेशन पर चाय भी बेची है। बचपन में मोदी पास के तालाब से मगरमच्छ पकड़कर घर ले आए थे। बाद में माँ के कहने पर वापसी छोड़ आए थे। नंबर दो, नरेंद्र मोदी की शादी 18 वर्ष की उम्र में ही कर दी गई थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही उन्होंने घर छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला लिया। पीएम मोदी की पत्नी का नाम जसोदा बेन मोदी था। मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स किया। नंबर तीन, मोदी कोई भी नया काम करने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं और स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं। मोदी शाकाहारी हैं और सिगरेट शराब को कभी हाथ नहीं लगाते। नंबर चार, जब मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब उनके माँ ने कहा था कि बेटे, कभी रिश्वत मत लेना। गुजरात के 13 साल के शासन में मोदी ने एक भी छुट्टी नहीं ली थी। नंबर पाँच, नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे तो वहाँ के सारे काम करते थे, जैसे साफ सफाई, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना। नंबर छः, नरेंद्र मोदी की जाति मोध घाची है। नरेंद्र मोदी की 1 साल की सैलरी 19 लाख रुपए है। भारत के कई लोगों के विरोध के कारण 2004 से 2013 तक अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दिया था, लेकिन पीएम बनने के बाद अमेरिका का खुद बुलावा आया था। नंबर सात, नरेंद्र मोदी को नई तकनीक का इस्तेमाल करने में अच्छा लगता है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने ही 3D तकनीक का प्रयोग कर भाषण दिया था। नंबर आठ, नरेंद्र मोदी स्विट्जरलैंड के फेमस ब्रांड मोवाटो की घड़ी पहनते हैं। इस घड़ी की कीमत 39,000 से लेकर 1,90,000 रुपये तक है। एक बात ये भी है कि पीएम उल्टी घड़ी पहनते हैं, क्योंकि वो इसे लक्की मानते हैं। नरेंद्र मोदी जर्मनी के फेमस ब्रांड मोब्लां के पेन इस्तेमाल करते हैं। मोब्लां यूरोप में सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी का नाम है। अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा, दलाई लामा, वॉरेन बफे से लेकर तमाम पावरफुल लोग इस पेन का इस्तेमाल करते हैं। पीएम जो पेन का यूज करते हैं उसकी कीमत 1,30,000 रुपये है। नंबर नौ, नरेंद्र मोदी जो चश्मे लगाते हैं वो बुल्गरी ब्रांड के हैं, और बुल्गरी ब्रांड इटली का ब्रांड है। बुल्गरी ब्रांड का मुख्य काम ज्वेलरी बनाने का है, लेकिन अब ये कंपनी घड़ियां, परफ्यूम और होटल बिजनेस में भी कूद चुकी है। इस चश्मे की कीमत 30,000 से 40,000 रुपये होती है। नंबर 10, नरेंद्र मोदी के कपड़े विपिन और जितेंद्र चौहान की दुकान पर सिले जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है, बल्कि इन दोनों की अहमदाबाद में जेड ब्लू नाम की 150 करोड़ की कंपनी है। 1989 के बाद से नरेंद्र मोदी के कपड़े यहीं सिलते आ रहे हैं। मोदी अपने सूट का फैब्रिक, कलर और डिजाइन खुद सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों, ये थी मोदी जी से जुड़े कुछ बेहद रोचक तथ्य।
यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसे ही रोचक तथ्यों और प्रेरणा से भरे विचारों और कहानियाँ को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।